और अश्वनी के पिता हैं उनसे मैं पूछता हूं जो आपका सवाल है सर, जब आपको ये पता चला कि डॉक्टरों ने पैसे लेकर ब्लड सैंपल चेंज कर दिया, जो ओरिजिनल ब्लड था उसे डस्टबिन में फेंक दिया और दूसरा सैंपल रख दिया, इस पर आप क्या रिएक्शन देंगे? लाइव आप कनेक्ट है। वैसे तो क्या है, शुरू से ही लीपापोती की जा रही थी, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि ये ब्लड सैंपल भी बदल देंगे। मतलब भ्रष्टाचार की जो है ना पराकाष्ठा अति का अति हो गई। और यहाँ पर जो तमाम लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए कैंडल मार्च में, ये लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए इस पूरे मामले की, इससे आप सहमत हैं? वैसे तो मैं इस केस को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मतलब इसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराऊंगा। सीबीआई से बड़े तो सुप्रीम कोर्ट है। से जुड़े जागरूक लोग भी हैं, कैंडल मार्च भी कर रहे हैं और देखिए इसमें जो बैनर आप देख रहे हैं इसमें साफ तौर पर लिखा है न्याय की अपील और इसमें अश्विनी कोस्टा और अनीस जो है दोनों की तस्वीरें भी हैं। कोस्टा समाज की तरफ से ये पूरा मार्च निकाला जा रहा है कैंडल मार्च की, जो परिवार है उनको जल्द से जल्द न्याय मिले और आरोपी जो है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, इसको लेकर ये पूरा कैंडल मार्च है। इसमें बड़ी मात्राएं में महिलाएं भी हैं, कोस्टा समाज से जुड़े लोग भी हैं और जो अश्विनी कोस्टा के पिता और भाई वो भी इस कैंडल मार्च में शामिल हैं। कुछ महिलाएं हैं उनसे मैं बात करता हूं। मैम, क्यों आप लोग ये मार्च निकाल रहे हैं? हम इसलिए ये मार्च निकाल रहे हैं कि अश्विनी जो कि हमारी समाज की भी थी और होनहार छात्रा थी, वहाँ पर जॉब कर रही थी, उसके साथ बहुत गलत हो गया है, अनजाने में हुआ है चाहे जान के हुआ है, उसको पूरी तरह न्याय मिलना चाहिए और जो भी आरोपी है उसको कानूनी तौर पर जो विधियाँ हैं उसके मार्फत उसको सजा मिलनी चाहिए। मैम, आप बताइए क्या कहेंगे?
मैं बस इसे कहती हूँ कि उस बच्चे, उस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है, जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कि जो मेडिकल जो सैंपल है, ब्लड सैंपल, वो दूसरे का रख दिया, इसको लेकर बस कानून को पुलिस वालों को देखना चाहिए और वो सब। ये तमाम लोग हैं, महिलाएं, बुजुर्ग और समाज से जुड़े सभी लोग हैं। इसमें अश्विनी कोस्टा के पिता और उनका जो भाई अश्विनी का, वो भी इस कैंडल मार्च में शामिल हैं। ब्रह्म श्रद्धांजलि का भी एक बैनर आप देख सकते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करता हूं। सर, आपकी बच्ची जो है, उसके लिए समाज के तमाम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये क्या है, हमारी समाज की तरफ से निकाला जा रहा है, इसमें हमारी समाज भी जो है ना, बहुत ज्यादा आहत है और सभी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं कि समाज की बच्ची को जो है ना, सही न्याय सही समय पर मिले। इतनी बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। हम लोग क्या है, अब क्या बोलना चाहिए, अब हम लोग क्या है, सभ्य समाज के लोग हैं, इसलिए हम लोग अब चाहते हैं कि हमारी मांग जो है ना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से शासन प्रशासन जो भी है वो सुने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्याय की मांग अश्विनी कोस्टा और अनीस जो हैं, उनके लिए जबलपुर की गलियों में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। और सबका ये कहना कि होनहार बच्चे थे अश्विनी और अनीस, और उनको श्रद्धांजलि तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ इंसाफ की मांग को लेकर ये पूरा कैंडल मार्च जबलपुर के एक चौराहे से स्टार्ट हुआ है और मालवीय चौक तक ये पूरा प्रोटेस्ट होगा। और सबसे बड़ी याद ये कि ये कोई पॉलिटिकल, इसमें सहयोग किसी का नहीं लिया गया, समाज, कोस्टा समाज और बाकी जागरूक लोग जो हैं वो इस कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं। और अश्विनी के पिता, भाई और तमाम इस समाज से जुड़े लोग भी हैं, महिलाएं भी शामिल हुई हैं, हमने उनसे भी बात की। सबका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें कठोर कार्रवाई दी जाए और जो पीड़ित परिवार है उन्हें इंसाफ मिले, इसको लेकर ये सैकड़ों लोग जो हैं इस कैंडल मार्च को में शामिल हुए हैं और इस कैंडल मार्च के जरिए अपना गुस्सा, अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए इस समय जिस जगह पर कैंडल मार्च के बाद श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, आपको मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, जो अश्विनी कोस्टा की जो तस्वीर है उस पर तमाम इस समाज से जुड़े लोग, जबलपुर के जागरूक लोग और महिलाएं, बच्चियां, सभी लोग यहाँ पर आए हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और अश्विनी के पिता हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, जो आपका सवाल है सर, जब आपको ये पता चला कि डॉक्टरों ने पैसे लेकर ब्लड सैंपल चेंज कर दिया, जो ओरिजिनल ब्लड था उसे डस्टबिन में फेंक दिया और दूसरा सैंपल रख दिया, इस पर आप क्या रिएक्शन देंगे? लाइव आप कनेक्ट है। वैसे तो क्या है, शुरू से ही लीपापोती की जा रही थी, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि ये ब्लड सैंपल भी बदल देंगे। मतलब भ्रष्टाचार की जो है ना, पराकाष्ठा अति का अति हो गई। और यहाँ पर जो तमाम लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए कैंडल मार्च में, ये लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए पूरे मामले की, इससे आप सहमत हैं? वैसे तो मैं इस केस को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, मतलब इसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, वो सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराओ सर, सीबीआई से बड़े तो सुप्रीम कोर्ट है। देखिए अश्विनी के पिता हैं और यहाँ पर देखिए श्रद्धांजलि दी जा रही है, समाज से जुड़े जो बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ बाकी लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तस्वीरें हम दिखाएंगे, जो तमाम लोग इस कैंडल मार्च में शामिल हुए थे उन्होंने यहाँ पर अश्विनी की जो फोटो है उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, तस्वीर पे फूल भी चढ़ाए, महिलाओं से भी हमने तमाम यहाँ की बात की, जागरूक लोगों से हमने बात की। कल प्रोटेस्ट नहीं है, सिर्फ ये जबलपुर के लोग हैं, कोस्टा समाज से जुड़े लोग हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी कार्रवाई हो आरोपियों पर, इसको लेकर ये कैंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से समाज से जुड़े लोग कही है। सर, क्या कहेंगे, सीबीआई जांच की मांग? 100% सीबीआई जांच ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा प्रशासन, लोकल राजनीतिक षड्यंत्र के साथ में किए जा रहा है। जैसे देखा जा रहा है कि पहले एक ड्राइवर का नाम पे फंसाया गया, उसका किडनैप किया गया, उसके बाद में उसको डरा धमका के उसको बोला गया कि वो अपने ऊपर इल्जाम ले, बाद में मालूम चलता है कि ड्राइवर का कोई रोल कॉल नहीं है। डॉक्टर से लेके, अस्पताल से लेके सब पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ब्लड सैंपल बदलने के बाद में जो निजी अस्पताल का मालिक है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और पुलिस इतने दिन से अगर सबूत छिपा रही थी तो जो वहाँ के कमिश्नर हैं, उस थाने का TI, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सब पे कार्रवाई होना चाहिए। सर, मंजूरी, जबकि मैं कोस्टा समाज का नहीं हूँ, कि न्याय की मांग करते हुए सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। अश्विनी कोस्टा जो लड़की खत्म हुई है, मैं उसके लिए श्रद्धांजलि सभा के लिए आया हूँ, बहुत बहुत
शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पुणे पुलिस, वो फिर हम तो अपील करेंगे कि पुणे पुलिस भी उसमें वो हो और क्या कहते हैं समाज उसका रे क्या कहते हैं कोशिश करे कि सजागारों को सजा मिले। दादी आप क्या कहेंगी, आप इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं? हाँ, इतनी भीषण गर्मी में आप सड़कों पे निकली, करीब 2 किलोमीटर पैदल चली। समाज की बेटी है तो थोड़ा सा दुख तो होगा ना। आप मैम क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि माता पिता को भी अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, उन्हें एकदम आजादी नहीं देना चाहिए हर चीज। यहाँ पे गलती उस रही ज्यादा की बेटे की है जो 200 से ज्यादा की स्पीड में गाड़ी चला रहा। जी जी, और उनसे ज्यादा दोषी उनके माता पिता भी हैं जिन्होंने इतनी छूट दे रखी है। और सिस्टम को लेके क्या कहेंगे जो पूरे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था? फिर भी मीडिया के प्रेशर के वजह से पुलिस अभी कार्रवाई पे आई है तो हम उन्हें धन्यवाद भी देंगे। तो देखिए ये तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, यहाँ पर तमाम जो पुरुष वर्ग के जुड़े लोग हैं यहाँ पर। ये देखिए पार्क में सभी जो कैंडल मार्च निकाला इसके बाद यहाँ पर एक साथ यहाँ पर कैंडल सब रख रहे हैं और श्रद्धांजलि जो है अश्विनी कोष्टे को यहाँ पर दी जा रही है। और सबका यही कहना है साफ तौर पर कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अश्विनी कोष्टा हो, अनीस हो और इस जैसे जो भी होनहार बच्चे होते हैं उनके साथ अगर कोई रही ज्यादा स्तर की घटना करे तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। सबूत जिस तरह से मिटाने की कोशिश की उस सभी जो लोग इस सिस्टम में शामिल थे जो सबूत मिटाना चाहते थे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। सीबीआई जांच की भी यहां पर मांग ये लोग कर रहे हैं। इनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार पर पुणे पुलिस पर भरोसा नहीं है इसलिए इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। और देखिये सभी लोग इकट्ठे हैं, काफी शांतिपूर्ण यहाँ पर इन लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया है। परिवार भी कोष्टा परिवार का जो अश्विनी कोष्टा के पिता और भाई भी इसमें शामिल हुए हैं और सब की यही मंशा है कि उनके बच्चों के साथ इस तरह से दोबारा कोई घटना ना हो जो अश्विनी और अनीस के साथ हुआ। अश्विनी कोष्टा और अनीस दो होनार छात्र, उनकी हिट एंड रन केस में डेथ होती है। इसके बाद कोष्टा समाज और जबलपुर के जागरूक लोग जो हैं उन्होंने आज कैंडल मार्च निकाला इंसाफ की मांग को लेकर। करीब 5 किलोमीटर का ये पूरा कैंडल मार्च था और फिलहाल एक ये पार्क जो है जबलपुर का, इस पार्क में देखिए अश्विनी कोष्टा की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित यहाँ पर लोग कर रहे हैं, कैंडल यहाँ पर जलाई गई है। और सबका ये कहना है, तमाम जो लोग इस यहाँ पर आप देख रहे हैं चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सभी जो है इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं। सबका ये कहना है कि पूरा जो सिस्टम था पुणे पुलिस का, वहाँ के डॉक्टरों का, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त थे और इस मामले की या तो सीबीआई जांच हो या फिर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पूरे मामले की जांच की जाए। तमाम लोगों से हमने बात भी की, यहाँ पर देखिए बढ़ चढ़ कर लोग अपने आप आते जा रहे हैं और अश्विनी कोष्टा जो है उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बैनर पोस्टर है इनके पास, उन बैनर पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि कोष्टा समाज जो है इंसाफ की मांग कर रहा है। ये एक पोस्टर आप देखिए, हम सबकी एक ही आवाज़, न्याय मांगे कोष्टा समाज, इस तरह से बैनर पोस्टर तमाम जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए सबके पास है और सब एक ही सुर में ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आरोपी रही ज्यादा परिवार है, इस तरह का कोई ज्यादा किसी भी होनार बच्चे के साथ ऐसी घटना ना हो इसलिए इस तरह की सजा होना चाहिए कि एक नजीर बने, है ना। हमने यहाँ पर सभी लोगों से बात भी की, एक बार मैं अंतिम बार जो अश्विनी कोष्टा उनके पिता से एक ओपिनियन ले लेता हूँ। सर इतने लोग जुटे आपके समर्थन में, मोरल तो आपका हुआ ही होगा, मांग क्या है अभी भी आपकी इंसाफ की मांग के लिए यहाँ पर सब जुटे? मांग यही है कि निष्पक्ष जांच हो और पुणे के माननीय कमिश्नर जो है ना इस पर विशेष रूप से दिलचस्पी लेकर, क्योंकि उनको उनको भी मालूम है पुणे की जनता किस तरीके से सड़कों पर उतर चुकी है, हर जगह मतलब प्रदर्शन किया जा रहा है और यही मांग की जा रही है कि उनके शहर में बाहर से आए हुए पढ़ने वाले या अपना जॉब करने वाले उनके शहर में सुरक्षित रहे, किसी प्रकार के मतलब यहाँ से जाकर पुणे शहर का नाम ही ले, पुणे शहर को बदनाम ना करें, इस कारण भी वहाँ के लोग जो है ना सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, कठोर से कठोर सजा और जल्द से जल्द सजा मिले? जी हाँ, बिल्कुल निष्पक्ष न्याय हो, तो किसी तरह कोई पक्षपात ना हो, कोई भेदभाव ना हो और तो किसी तरह के न्यायपालिका या स्थानीय प्रशासन किसी तरह कोई दबाव ना आए और दोनों बच्चों को उचित न्याय मिल सके।
ये तस्वीरें आपको हम एक बार और दिखाते हैं। श्रद्धांजलि दी है अश्विनी कोस्टा को, कैंडल मार्च भी निकाला है और जितने लोग यहाँ सैकड़ों लोग जो आए उन सबसे हमने बात की, उनमें से अधिकांश यही कह रहे हैं कि किसी भी होनहार बच्चे के साथ इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। जो जो सबूत मिटाने की कोशिश की गई, इस कड़ी में जो जो आरोपी बनते हैं उन्हें आरोपी बनाया जाए, जिससे कि किसी के साथ भी किसी को भी न्याय के लिए देरी ना हो, उन्हें भटकना ना पड़े और कठोर से कठोर सजा आरोपी को मिले, जिससे कि इस तरह की घटना, इस तरह का रईसजादे का बेटा किसी और को इस तरह हिटंडन में अकाल उसकी मौत ना हो। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जबलपुर।